मैं हूं मोहम्मद रमजान। यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फोटोशॉप ट्यूटोरियल। जी दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप की डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, एक डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो घर बैठे बआसानी आप फोटोशॉप की डिजाइनिंग सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप की घर बैठे डिजाइनिंग सीखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो बरवक्त आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। है दोस्तों, आज हम सीखेंगे फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आज ये वाली फोटो हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल की शॉर्ट की है पी। इधर से भी मेथड नजर आएगा आपको। कटिंग शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने कटिंग कंप्लीट कर ली पेन टूल के साथ। बाद में हम इसको फीदर देंगे 3 का और लेयर में देखें, लेयर में सिलेक्ट करके नीचे वाला कॉपी पेस्ट। अब आप देख सकते हैं कि एक नई लेयर बन गई। हम बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे और ये देखें बैकग्राउंड रिमूव होगी। अब हम इसको ऑल सेलेक्ट कॉपी करके जिस बैकग्राउंड में भी लगाना चाहते हैं उधर पेस्ट करेंगे। और ये बैकग्राउंड में जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये देखें, सेटिंग कर लें कितनी बड़ी करना चाहते हैं। सेट करने के बाद दरख्त को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके लेयर में क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये देखें आप, बच्चे का जो फेस नज़र आ रहा है इधर से, उसकी हम अब सेटिंग करने जा रहे हैं ताकि देखने में ऐसा बराबर लगे कि बच्चा का जो फेस है वो दरख्त के ऊपर ही है। रेजर टूल लिया हमने इधर से, इसकी शॉर्ट की है ई और इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम इसको रेज कर रहे हैं। रेज करने के बाद कंट्रोल डी से दरख्त की जो सिलेक्शन की थी हमने इसको हम ख़त्म कर देंगे कंट्रोल डी के साथ और माइनस जूम करके देखें तस्वीर कंप्लीट हो गई है।